हेलो दोस्तों, मैं आपसे कबीर जी आदि और फाइनल ईयर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 की अपडेट आ चुकी है। इस बाइक में थोड़े बहुत नए अपडेट किए गए हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये बाइक लॉन्च होने के लिए बिल्कुल ही रेडी है, डीलर्स के पास भी पहुंच चुकी है, शोरूम में भी कहीं कहीं जगह ये पहुंच चुकी है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ पिक्चर्स जो कि डीलर्स के पास बाइक खड़ी हुई है शोरूम के बाहर। तो अब बात करते हैं इसके नए अपडेट की। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है इसके अलॉय व्हील्स। इसमें अब आपको बिल्कुल ही नए फ्रेश न्यू अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको जो सेकंड चीज़ नोटिस हो रही होगी सबको, वो ये है कि जो इसका टैंक है, टैंक के ऊपर बिल्कुल ही नया लोगो दिया गया है। पहले वाला लोगो नहीं है रॉयल एनफील्ड का, बिल्कुल ही नया लोगो नए स्टिकर के साथ आपको टैंक पे देखने को मिलेगा। और हल्का सा देखने से फील हो रहा है कि टैंक की थोड़ी शेप चेंज है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से चेंज नहीं है। बट देखो, अभी बाइक जब हम शोरूम में जाएंगे बाइक की वीडियो बनाने, तो उस टाइम इसकी पूरी डिटेल की वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। अभी जो जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट अपडेट देखते हैं तो जो इसकी सीट है, सीट के ऊपर थोड़ा सा पैटर्न डिज़ाइन दिया है। मतलब सीट के ऊपर जो डिज़ाइन हो, थोड़ा सा नया पैटर्न लगता है, मतलब नए पैटर्न की थोड़ी सीट दी है और देखने में थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल भी लग रही है सीट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इसका फ्यूल इंजेक्टर। इसमें फ्यूल इंजेक्टर आने से इसकी जो माइलेज है वो लगभग 10-15%, मतलब 10-15% तक ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको थोड़ी सी और ज़्यादा माइलेज इस बाइक से मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको पहले कन्फर्म कराना चाहता हूँ कि देखो यार, इसका साउंड है, साउंड के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते जब तक बाइक शोरूम में नहीं आती और आपका बाइक खुद जाके बाइक नहीं दे सकता, तब तक मैं नहीं बता सकता साउंड के बारे में। खुद देखने के बाद ही मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। उसकी इंजन के स्पेक्स के बारे में या फिर इसके प्राइस के बारे में कोई भी डिटेल अभी तक लीक्स नहीं हुए। और एक चीज़ बता दूं कि इस बाइक में थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं, कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं किया है। तो आपकी बाइक पहले जैसी ही रहने वाली, थोड़े बहुत नए अपडेट इसको मिले हैं, तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि यार बाइक बिल्कुल चेंज कर देगी रॉयल एनफील्ड तो बाइक की लुक ख़राब हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को शिकायत हो रही थी कि यार क्लासिक 350 ऐसी ही अच्छी लगती है हमें। जब लीक्स इमेज आए थे काफ़ी टाइम पहले क्लासिक 350 के, तो उस टाइम बाइक बिल्कुल ही अलग लग रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तक जो अपडेट आई थी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो यार वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। और अपने भाई से कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सबकी आईडी दे रखी है, वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो बाइक के बारे में। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, थैंक यू गाइस।